हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज देखूंगी कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट क्या था, लेट नाइट वो क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे थे। तो रीडिंग टाइमलेस है, जब भी जिसके सामने आएगा वो देख सकते हैं, और कलेक्टिव जेनरल है तो हर कोई देख सकता है, ठीक है। और कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हो, सिंगल मैरिड अनमैरिड डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है, और सारे रिलीजन के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये जो नंबर है मेरा पर्सनल पे रीडिंग के नंबर है, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं आएगा मेरे पास। तो रीडिंग के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है, और 222 में करंट फीलिंग का रीडिंग मिलेगा, अदरवाइज 222 में क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन का जो रीडिंग है आपको फ्री मिलेगा। और ये जो ऑफ़र है इस मंथ के लिए है, तो जिनको भी ये ऑफ़र चाहिए जल्दी से जल्दी जो है व्हाट्सअप पर पिंग करें, और अदर डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेंगे। अगर आपको कोई बड़ा रीडिंग चाहिए, डिटेल्स में जानना है, या फिर कोई अदर टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। कॉल मेरे पास नहीं आएगा, तो कॉल में आप लोग संबंध ना करें मेरे साथ, जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप करें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट क्या था, लेट नाइट वो क्या सोचते हैं। प्लीज़ एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन लेट नाइट क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे थे लेट नाइट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन लेट नाइट क्या सोच रहे थे, उनका लेट नाइट थॉट क्या था। प्लीज़ एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट क्या था, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट क्या था। प्लीज़ एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट क्या था। द वर्ल्ड, तो कुछ ना कुछ कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे थे आपके पर्सन। तो उसके लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए था, पावर चाहिए था, कारेज चाहिए था उनको। यस, कंप्लीशन चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। टेम्परेंस, बैलेंस लेके आना चाह रहे थे आपके पर्सन लेट नाइट। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाह रहे थे। और क्या सोच रहे थे लेट नाइट। पेशेंटली प्लानिंग कर रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक है। प्लानिंग की एनर्जी है यहाँ पर, कि बहुत ज्यादा सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, स्ट्रेटेजी बना रहे थे कुछ सिचुएशन को एंड करने के लिए। टेन ऑफ सोर्स, देखिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ है रीडिंग, एंडिंग मतलब कंप्लीशन को लेके। दी वर्ल्ड का जो है एंडिंग ऑफ अ साइकिल को दिखाता है, तो कुछ ना कुछ एंड करने के बारे में, कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे थे। तो मैंने आपको रीडिंग के शुरुआत में ही मैंने बोला आपको कि कुछ ना कुछ कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सिक्स नंबर कार्ड यहाँ पर जो आए हैं, टेन ऑफ सोर्स, ये भी जो है एंडिंग्स को दिखा रहे हैं। तो कोई ना कोई चीज़ आपके पर्सन एंड करने के लिए बहुत बेसब्री से सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेवन ऑफ व्हील्स मतलब सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और बैलेंस चाहते हैं, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, टेम्परेंस कार्ड आया है, तो बैलेंस दिखा रहे हैं ओवरऑल लाइफ में, लव लाइफ में, या फिर जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उनके लाइफ में, वहाँ पर वो बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली को लेके कोई बैलेंस लेके आना चाह रहे हैं, अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे से, ठीक है, तो आपके पर्सन वापस आना चाह रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, और आपके साथ ही फ्यूचर देख रहे हैं, रिश्ते को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई तो सिचुएशन है जिसको एंड करना होगा, ठीक है। तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर दी वर्ल्ड कार्ड में 3 पर्सन हैं, तो ज़्यादातर थर्ड पार्टी को डिनोट कर रहे हैं। तो आपके पर्सन को चाहिए पावर, चाहिए कारेज, चाहिए स्ट्रेंथ, ताकि वो ये जो उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर पाए टेन ऑफ सोर्स के साथ, और वो ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर टेन ऑफ सोर्स आए हैं। और क्या सोच रहे थे लेट नाइट, एंजल गाइड करें और क्या सोच रहे थे। देखिए 10-10 की एनर्जी आ गई यहाँ पर, 10 of Swords, 10 of Wands, तो कुछ चीज़ें उनके ऊपर बर्डन सम हो रहा है। ओ माय गॉड, 4th टाइम यहाँ पर 10 आए हैं, 10 of Wheels, 10 of Pentacles, ठीक है, 10 of Swords, 10 of Wands एंड 10 of Cups, ठीक है।
तो आपके साथ ही वो हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, ठीक है, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, लेकिन उनको कुछ ना कुछ चीज़ें जो है एंड करना पड़ेगा, दी हायरोफेंट बॉटम से। तो चलिए कार्ड को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर एंड करेंगे आपके पर्सन, जो भी उनके ऊपर बार्डन सम हो रहा है, जो भी चीज़, जो भी बोझ वो लेके जाना नहीं चाह रहे हैं, ना चाहते हुए जो बोझ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उठाना पड़ रहा है, वो आँख बंद करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे थे, तो यहाँ पर वो सिचुएशन को एंड करेंगे। क्योंकि देखिए दी वर्ल्ड कार्ड से जो है हमारे यहाँ रीडिंग स्टार्ट हुआ है, और 4 times यहाँ पर 10 10 आए हैं, 10 of Wheels, 10 of Wands, 10 of Cups और 10 of Swords, ठीक है। तो आपके पर्सन उनके बार्डन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो वो उठाना नहीं चाहते हैं, उसको एंड करना चाह रहे हैं। आपके साथ जो है हारमोनी चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, घर गृहस्थी चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक कपल ने जो है एक बेबी को पकड़ के रखा है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके साथ ही बेबी चाह रहा है, आपके साथ ही फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं, आगे की ज़िंदगी को आपके साथ ही बिताना चाह रहे हैं और वेल्दी से बिताना चाह रहे हैं, मतलब उनके पास पैसा भी हो और खुशियाँ भी हो, सब कुछ रहे हैं, ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाह रहे थे। तो यही उनका लेट नाइट थॉट था। और बॉटम से देखिए दी हायरोफेंट विद द 4 of Wands, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। शादी के बारे में सोच रहे थे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, दोनों ही शादी का कार्ड निकल कर आए हैं, ओके। तो चलिए शादी के कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि 2 शादी के कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, और बॉटम से 5 of Wands। तो शादी को लेकर कोई ना कोई तो फाइट हो रहा है, 8 of Wheels काम कर रहे हैं आपके पर्सन, द एम्प्रेस 3 of Wheels, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन दी फूल मूव ऑन करना चाह रहे हैं, केयर फ्री होके रिस्क लेना चाह रहे हैं, ठीक है, बाहर आना चाह रहे हैं, जो भी 2 सिचुएशन है, ओके। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं दी हैरोफेंट क्यों आया है एंजल यहाँ पर, दी हैरोफेंट क्यों आया है, दी हैरोफेंट क्यों आया है, दी चैरिएट आपके तरफ वापस आना चाह रहे हैं, 6 of Wheels बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके पर्सन, क्वीन ऑफ सोर्स, तो कोई ना कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है आपके पर्सन के लाइफ में जो कि उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि शादी को लेके कोई ना कोई कंट्रोल कर रहे हैं। 5 of Cups जहाँ पर आपके पर्सन दुखी हैं, 5 of Cups जहाँ पर दुखी है, रिग्रेट में है, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो कप्स उनके पास नहीं है उनके बारे में सोच रहे हैं, जो कप्स उनके पास है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, और उस सिचुएशन से वो बाहर आना चाह रहे हैं। और देखिए क्लैरिफाई किया है दी हायरोफेंट को, ओके, तो आपके पर्सन जो है शादी से बाहर आना चाह रहे हैं, ओके। तो अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं, या फिर मैरिज को लेके अगर कोई कंट्रोल कर रहे हैं उनके फैमिली से कोई, कि मैरिज में कंट्रोल है, तो वहाँ पर वो खुश नहीं है, 5 of Cups से वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं, 7 of Swords, ठीक है, चोरी छुप के भी वो बाहर आ सकते हैं या फिर भाग के आ सकते हैं, ऐसा एनर्जी है। और देखिए चैरियट भी आया है, तो ये भी 7 की एनर्जी है, तो 7 7 की सिंक्रोनिसिटी है यहाँ पर। तो आपके पर्सन डिसीजन ले रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, है आने के लिए और आपके तरफ डिसीजन लेने के लिए। और देखिए ये उनका लेट नाइट थॉट था कि वो जहाँ पर है वहाँ पर खुश नहीं है, तो शादी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो लेकिन सेपरेशन में हो, या फिर कुछ अलग सिचुएशन है, तो कोई ना कोई फीमेल एनर्जी कंट्रोल कर रहा है आप दोनों के शादी को, आप दोनों के रिश्ते को, तो उस सिचुएशन में वो दुखी है, वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो शादी को लेके कोई ना कोई मतलब परेशानी है आपके पर्सन को, और जिसको वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, 6 of Wheels, ठीक है। 4 of Wands क्यों आया है, क्या कंप्लीशन आएगा मेरे व्यूअर्स के साथ, क्या परमानेंट वाला रियूनियन होगा, क्या परमानेंट वाला रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा मेरे व्यूअर्स के साथ।
फोर ऑफ बैंड्स क्यों आया है? यस, न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। फाइव ऑफ व्हील्स, तो हो सकता है फिलहाल आपके पर्सन को पेंटिकल का बहुत ज़्यादा इशू हो, या फिर हेल्थ इशूज हो, या फिर सब कुछ रहते हुए भी वो खुद को बहुत ज़्यादा जो है अकेला महसूस कर रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि सब ने उनको कोल्ड में छोड़ दिया है, ठीक है। और वो जो है इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, ठीक है, ग्रोथ चाहते हैं अपने लाइफ में, और कुछ सिचुएशन से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं। एट ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ कप्स, कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं जहाँ पर फाइट हो रहा है। फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। और आपके तरफ वो आना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एस ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन से वो मूव ऑन करेंगे, और फिलहाल उनके जो लाइफ है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, हो सकता है हेल्थ इश्यूज है, पेंटिकल का इशू है, तो वहाँ पर वो काम करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपके तरफ न्यू बिगिनिंग आ रहा है, अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो वापस आ रहे हैं आपके पर्सन आपके तरफ, ओके, क्योंकि फोर ऑफ बैंड्स को एस ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर जो है न्यू बिगनिंग होने वाला है, उनका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए, और यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म फाउंडेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। अगर आप सिंगल हो तो वो आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे, अगर आप मैरिड हो तो वापस आ रहे हैं, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहे हैं। तो गाइस ये था आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट। अगर रीडिंग अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक कर देना, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। तो फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स, जितना हो सके दूसरों का हेल्प जरूर कर देना, ओके। तो टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।